भूकंप के जोरदार झटकों से हिली राजधानी दिल्ली कनॉट प्लेस में दहशत के मारे दफ्तरों से बाहर निकले लोग। एमसीडी मुख्यालय सिविक सेंटर में भी भूकंप के झटके, बीजेपी और कांग्रेस के पार्षद काम छोड़कर बाहर निकले। दिल्ली सचिवालयों में भी भूकंप के झटकों के बाद लोगों में दहशत, चारों तरफ मची अफरा तफरी। भूकंप के झटकों के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी अफरा तफरी, अदालत खाली करने के कारण 15 मिनट तक रुकी रही कार्यवाही। दिल्ली के शक्तिनगर में भी भूकंप के चलते घरों से बाहर निकले लोग, लोगों में दिखी दहशत। भूकंप के तेज झटकों से दिल्ली में मेट्रो सेवा प्रभावित, झटके महसूस होने के बाद कुछ देर तक के लिए रोक दी गई मेट्रो। दिल्ली के मालवीय नगर में भूकंप के बाद दहशत में लोग जान बचाने के लिए घरों से बाहर निकले। दिल्ली के शाहदरा में भी भूकंप के तेज झटके से कांपे लोग, जान बचाने के लिए सड़कों पर निकले। दिल्ली के जनपद में भी महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके, लोगों के अनुसार तेज झटकों से बिजली के खंभे और गाड़ियां तक हिल गईं। दिल्ली के भीकाजी कामा प्लेस में भूकंप के झटकों से अफरा तफरी, दहशत में दफ्तरों से बाहर निकले लोग। श्रीनगर के कई इलाकों में भूकंप के तेज झटके, स्थानीय लोगों के अनुसार पहली बार महसूस किए गए इतने तेज झटके। भूकंप के तेज झटकों से डहा जम्मू कश्मीर के रियासी में स्थित 500 साल पुराना भीमगढ़ का किला, किले को भारी नुकसान। जम्मू में भी भूकंप के तेज झटकों से हिली धरती, लोगों में दिखी दहशत। हिमाचल के चंबा और धर्मशाला में भी तेज झटकों से हिली धरती, दहशत के मारे घरों से बाहर निकले लोग। लुधियाना में भूकंप के झटकों से घरों में पंखों और दीवारों पर लगी तस्वीरें हिलने लगी, दहशत में घर से बाहर भागे लोग। हरियाणा के हिसार में भी भूकंप के तेज झटके, स्थानीय लोगों के अनुसार सड़क पर खड़ी गाड़ियां भी हिलने लगी। चंडीगढ़ में भी महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके, भूकंप से लोगों में दिखी दहशत। जब झटके डर के मारे घरों से सड़कों पर निकले लोग। पटना में भी लोगों ने महसूस किए भूकंप के तेज झटके, दहशत के मारे घरों से बाहर सड़कों पर निकले लोग। भोपाल में भी भूकंप से कांपी धरती, भूकंप के तेज झटकों से भोपाल में चारों तरफ अफरा तफरी। आगरा में भूकंप के झटकों के बाद दहशत में दिखे लोग, तेज झटकों से घरों में हिलने लगे पंखे। यूपी के मेरठ में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके, दहशत में घरों से बाहर निकले लोग। गाजियाबाद में भूकंप के तेज झटकों से कई घरों में हिलने लगे पंखे, दहशत में घरों और दुकानों से सड़कों पर आ गए लोग। नोएडा में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, दफ्तरों में मची अफरा तफरी। इंदिरापुरम में कई जगहों पर भूकंप के तेज झटके, घरों से निकलकर सड़कों पर भागे लोग। कानपुर में भूकंप के तेज झटकों से अफरा तफरी, जान बचाने के लिए खुली जगहों पर भागे लोग। बुलंदशहर में कांपी धरती, भूकंप के तेज झटकों से थाने में भी दिखी दहशत। मुजफ्फरनगर में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके, बाजार से लेकर घरों तक अफरा तफरी। हिमाचल के सोलन में भूकंप के तेज झटकों से दुकानों में रखा सामान गिरा, दहशत के मारे दुकानों से बाहर भागे लोग। भूकंप के तेज झटकों के बाद दिल्ली में खाली कराया गया एमडीएमसी का मुख्यालय, एसबीआई के दफ्तर में भी दहशत का माहौल। अमृतसर में भूकंप से अफरा तफरी, घरों से सड़कों पर भागे लोग, कई इमारतों में आई दरार। होशियारपुर में भूकंप के झटके, स्कूल कॉलेज बाजार में भगदड़ के हालात। गुरदासपुर में करीब एक मिनट तक भूकंप से हिलती रही जमीन, घरों से भागने को मजबूर हुए लोग। पाकिस्तान से भारत आई गीता ने सात रेस कोर्स रोड पर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात, मोदी ने सिर पर हाथ रखकर गीता को दिया आशीर्वाद। बिहार के सहरसा में गीता के घर खुशियों का माहौल, रंग और गुलाल के साथ संगीत की धुन पर नाचे लोग। उत्तर प्रदेश में सरकार राज्यपाल के बीच बड़ी तकरार, रामगोपाल यादव ने केंद्र से राज्यपाल राम नाईक को वापस बुलाने की मांग की। मुजफ्फरनगर पर दिवाली पर धमाके की बड़ी साजिश, बैंक के लॉकर से मिले भारी मात्रा में विस्फोटक। गाजीपुर में अवैध शराब की बिक्री के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, डीएम का भी करेंगे घेराव। मेरठ में रहस्यमय बुखार का कहर, 25 लोगों की बीमारी से मौत। इटावा में भुवनेश्वर राजधानी में आई तकनीकी खराबी, रूट पर तमाम ट्रेनें रुकी, एक महिला की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में कराना पड़ा भर्ती। फतेहगढ़ जेल में बंद कांग्रेस के विधायक अजय राय से मिले कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी, राजनीतिक प्रताड़ना का लगाया आरोप।
मथुरा में पंचायत चुनाव के प्रचार में कूदी सांसद हेमा मालिनी, विरोधियों पर ताबड़तोड़ हमले। आगरा में दीपावली से पहले बड़ी मात्रा में मिलावटी मावा जब्त, छेना बनाने वाला 1000 किलो मिलावटी पाउडर भी मिला। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग का सघन अभियान, संदिग्ध इंडिका कार जब्त। गर्ल चाइल्ड डे पर लखनऊ में स्कूली छात्राओं का स्वच्छता अभियान, लॉरेटो कॉन्वेंट स्कूल की छात्रों ने हाथों में झाड़ू थामकर सड़कों पर सफाई की। लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में कई घरों से आ रहा है लाल पानी, लोगों में हड़कंप। बिजनौर पुलिस ने स्कूलों से सोलर पैनल चुराने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़, 40 सोलर पैनल बरामद, 8 गिरफ्तार। शाहजहांपुर में पैसों के लालच में बहनोई ने की साली की हत्या, कंकाल मिलने से इलाके में सनसनी, 3 गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी में पुलिस का छापा, हरियाणा से आ रही शराब की लगभग 800 पेटियां बरामद, पंचायत चुनाव के दौरान बांटी जानी थी। सहारनपुर जेल में झगड़े में आरोपी की मौत, परिवार वालों ने जेलर पर लगाया हत्या का आरोप। पंजाब में धार्मिक ग्रंथ के अपमान का यूपी के बिजनौर में भी विरोध, शहर में सिखों का प्रदर्शन, बादल सरकार को बर्खास्त करने की मांग। कानपुर में बढ़ रही बरलौटी जिंदगी, एक दिन की बंद के बाद खुले स्कूल कॉलेज और बाजार। रायबरेली के गांव में दो गुटों में मारपीट, फायरिंग में 2 युवकों की मौत, तनाव के बाद पुलिस की तैनाती। हाथरस में महिला ने की पति की पिटाई, दूसरी महिला के साथ भागने की कोशिश कर रहा था पति। बुलंदशहर में सरकारी अस्पताल का डॉक्टर गिरफ्तार, सिपाही को गलत ढंग से इंजेक्शन देने का आरोप। फतेहपुर जिले के सुल्तानपुर क्षेत्र में पुलिस और पीएसी बल की अब भी तैनाती, मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 समुदायों में यहां पर हुआ था झगड़ा। वाराणसी में महंगी दाल से लोगों को निजात दिलाने की कोशिश, व्यापारियों ने लगाए सस्ती दाल के स्टॉल। गुड़गांव पाकिस्तानी प्ले के दौरान शिव सैनिकों के हंगामे के मामले में 4 गिरफ्तार, शनिवार की रात किया गया था विरोध। मुंबई में कैंडल मार्च, किनारा होटल ब्लास्ट में 8 छात्रों की मौत पर शोक। वडोदरा की एक लड़की को अमेरिका में मिली मुफ्त कानूनी मदद, एनआरआई से शादी के बाद तलाक का केस। भोपाल में केंद्रीय मंत्री ज्वेल उरांव ने लड़कियों से धुलवाए पैर, आदिवासी समाज के कार्यक्रम में पैर धुलवाए। मध्य प्रदेश के मुरैना में ट्रैक्टर चालक का आतंक, बाइक सवार को बीच सड़क पर रौंदा, बाइक सवार की मौके पर मौत। सूखा प्रभावित किसानों से मिले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, खेतों में जाकर नुकसान का लिया जायजा। सागर में एडीजे और उनकी पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज, पत्नी भी हैं सिविल जज, दोनों पर अदालत के चपरासी को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप। रायपुर में चिटफंड कंपनी के आड़ में जालसाजों ने लोगों को लगाया 36 लाख रुपए का चूना, पुलिस ने 4 एजेंट्स को किया गिरफ्तार। जालंधर में धार्मिक ग्रंथ के अपमान का नया मामला, एसजीपीसी के मेंबर पर फूटा लोगों का गुस्सा। फरीदकोट में आम आदमी पार्टी के सांसद भगवत मान की हूटिंग, श्रद्धांजलि सभा में शराब पीकर जाने का आरोप। पाकिस्तान ने फिर से तोड़ा सीजफायर, सांबा कठुआ में 15 बीओपी पर गोली दागे, कठुआ के बोबिया गांव में मोर्टार से हमला, 5 घायल। औरंगाबाद में अंगारों पर नंगे पार चले मुस्लिम, मुहर्रम के मौके पर सालों से चली आ रही है परंपरा। पुणे में एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले का रास्ता रोक का, बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर नेशनल हाईवे को किया गया जाम। दंतेवाड़ा में माओवादियों ने रेलवे की 2 वैन्स को किया आग के हवाले, कर्मचारियों से वॉकी टॉकी और मोबाइल भी लूट कर ले गए। पश्चिम बंगाल के कूचबिहार जिले में ट्रेन हादसा, पैसेंजर गाड़ी पटरी से उतरी, कई घंटों तक ठप रहा ट्रैफिक। दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी सुप्रीम कोर्ट में हुए पेश, मानहानि के केस में अदालत ने किया था तलब। गौहत्या के खिलाफ विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ने छेड़ी मुहिम, दिल्ली में पीसी कर सरकार से आयोग बनाने की मांग की। गुड़गांव के धनचरी में 4 दिनों का मेला, सिंगर बादशाह के गानों पर हजारों लोगों ने लगाए ठुमके।